नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ जिसमें कि लगभग सभी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग उससे डरते हैं क्योंकि हम लोगों को फीड ऐसा ही किया गया है। हमने भी अक्सर कई बार फिल्मों में देखा है, एक पैसे वाला परिवार रहता है, वो अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देता है और कुछ समय बाद वो फुटपाथ पर आ जाते हैं। हमारे दोस्त और पुराने बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं, शेयर बाजार एक जुआ है, सट्टा है, इससे दूर रहना है। तो आज हम शेयर बाजार को कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आइए हम समझते हैं कि शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक मार्केट, इसी को हम शेयर बाजार भी कहते हैं या इक्विटी भी कह सकते हैं। इक्विटी शेयर या स्टॉक का मतलब एक ही है, शेयर यानी कि अंश। जैसे हम किसी को बिजनेस में कुछ पैसा लगाकर हम एक शेयर ले लेते हैं, उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं, तो यहाँ ऐसा ही हम कंपनी में करते हैं। शेयर बाजार में हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उस हिस्से के जो शेयर हैं उसको हम उस कंपनी के उस हिस्से के मालिक बन जाते हैं या बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हम शेयर होता क्या है, शेयर यानी अंश। अब इसके बाद इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगाते हैं, एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग दूसरी है ट्रेडिंग। तो आज हम इन्वेस्टिंग को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाता है, और ट्रेडिंग में टेक्निकल्स देखे जाते हैं, यहाँ पर ग्राफ चार्ट्स इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम इसको शायद अगले पार्ट में देखेंगे, आज हम समझते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग वो चीज है जिसे हम हिंदी में निवेश भी कहते हैं, जब हम अपना पैसा छोटे छोटे पार्ट में किसी जगह डालते जाते हैं और समय के साथ वो पैसा बढ़ता है और हमें रिटर्न्स भी मिलते हैं उसके। जैसे कि बहुत छोटे लेवल पे हम सब लोग जानते हैं कि FD, RD, म्यूचुअल फंड, ये सब इन्वेस्टिंग के ही एक रूप हैं। तो आज हम शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग के बारे में समझेंगे। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण से भी समझाऊंगा। यहाँ तक हमने समझा कि शेयर होता क्या है, शेयर खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, अब हम अच्छा शेयर कैसे छांटेंगे, तो हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ हम एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी कंपनी ले लेते हैं, जैसे ABC। ABC ये कंपनी का नाम है। तो जब भी हम कंपनी को देखने जाएं तो हमें सबसे पहले उसका मार्केट कैप देखना है। मार्केट कैप क्या होता है? कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन, यानी कि टोटल पूंजी कितनी है उस कंपनी। अगर वो कंपनी आज हम खरीदते हैं तो हमें उसका कितना पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे ABC एक कंपनी है, इसके बाजार में 100 शेयर हैं जो रनिंग में है, और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। तो टोटल ये 10,000 रुपए इस कंपनी की मार्केट कैप हो गई। अगर हमें ABC कंपनी खरीदना है तो हमें 10,000 रुपए देना होंगे। तो हो गया मार्केट कैप। एक होता है PE, इसका मतलब होता है प्राइस टू अर्न, यानी कि हमें 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे देना पड़ेंगे। जैसे हमने ABC का एक शेयर खरीदा, तो हमें उस 1 रुपए उससे प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पैसे देना पड़ेंगे। तो ये होता है प्राइस टू अर्न, माने हम वो प्राइस पे कर रहे हैं 1 रुपए अर्न करने के लिए। ये जितनी कम होगी उतनी अच्छी है, लेकिन एकदम से कम भी नहीं होना चाहिए और माइनस में भी नहीं होना चाहिए। ये होता है प्राइस टू अर्न, 15 से 25 के बीच में। बहुत ज्यादा है हम इससे कंपनी का वैल्यूएशन देख सकते हैं, बहुत ज्यादा है तो कंपनी बहुत महंगी है। आपको अगर किसी कंपनी का PE 100 है तो आपको 100 रुपए देना पड़ रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, और अगर किसी कंपनी का PE 20 है, 25 है, 15 है, तो आप 1 रुपए कमाने के लिए 15-20 रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये 10 से कम भी नहीं होना चाहिए और माइनस में तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो है
कि अगर ये कंपनी बिकती है या बंद होती है तो जो इस पे लोन्स हैं, इसके जो एसेट्स हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब हो सकता है बिल्डिंग का किराया हो, बैंक्स के लोन्स हो, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी में जो के बाद जो पैसा बचता है वो बुक वैल्यू होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में बुक्स पे कंपनी की कीमत है। चौथा पॉइंट हम लेते हैं, इंडस्ट्री पीई। ये कंपेयर करने के लिए होता है इंडस्ट्री को, जैसे एबीसी एक फार्मा कंपनी है मान लेते हैं, एफएमसीजी कंपनी है, और इसका पीई है 25 रुपए, तो हम इंडस्ट्री का देखते हैं। अगर इंडस्ट्री का पीई 20 रुपए है तो इसका मतलब है एबीसी महंगी है, अगर इंडस्ट्री का पीई 30 रुपए है तो इसका मतलब है एबीसी सस्ती है। तो इसको ये हम सिर्फ इंडस्ट्री पीई को कंपनी की पीई से कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी कि मान लीजिए किसी क्वार्टर या साल में एबीसी ने 100 रुपए का मुनाफा कमाया और उसके मार्केट में शेयर कितने हैं, सवा 1 रुपए, एक शेयर पे 1 रुपए कमाया, ये हो गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसके बाद डिविडेंड देना चाहिए, जब भी हम कंपनी सिलेक्ट करें, दो बार तीन बार भी कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम वो कंपनी साल में एक बार तो डिविडेंड देना ही चाहिए। तो उसकी हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड परसेंट में रहता है, जो कि शेयर के फेस वैल्यू पर डिसाइड रहता है। अभी हम आगे बताएंगे कि फेस वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। तो डिविडेंड यील्ड परसेंट में है, जैसे कि एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू, इसी कंपनी का एक शेयर है, फेस वैल्यू है उसकी 10 रुपए। फेस वैल्यू वो होती है तो जब कंपनी सबसे पहले अपने शेयर्स लाती है तो उसे एक फेस वैल्यू डिसाइड करना रहती है बुक्स पे, कि फेस वैल्यू 10 रुपए से लेके 1 रुपए तक जाती है। जब भी किसी कंपनी का शेयर स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू भी उस रेशियो में कम हो जाती है, जैसे एक के शेयर 2 हो गए तो फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो 5 हो जाएगी। अगर डिविडेंड यील्ड डिपेंड रहता है, ये परसेंट में रहता है। जैसे कि डेब्ट, कंपनी पे डिविडेंड यील्ड के बाद होता है डेब्ट। डेब्ट यानी कि कर्जा, कंपनी पर ज्यादा कर्जा तो नहीं, अगर कंपनी पे ज्यादा कर्जा है तो कंपनी अपना जो प्रॉफिट है उसका मैक्सिमम हिस्सा कंपनी अपने लोन्स की ईएमआईस को भरने में ही वेस्ट कर देगी और जो इन्वेस्टर है उन्हें कुछ नहीं लगेगा। तो ये है डेप्ट। तो ये वो 6-7 पॉइंट है जो कि जब अब हम कोई भी कंपनी लेने जाएं, कोई भी कंपनी देखने जाएं, तो हम इन्हें देख सकते हैं। सबसे मेन इसमें इम्पोर्टेंट है पी, डेप्ट, हमें कम से कम उसके 2 क्वार्टर का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कम से कम आप 2 साल का देखिए। लॉन्ग टर्म की कोई परिभाषा नहीं है, जो शेयर आप 6 महीने से ज़्यादा अपने पास रखते हैं वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और जो शेयर आप 1-2-3 दिन के लिए रखते हैं वो ट्रेडिंग में आता है, और मिड टर्म में कम से कम 6 महीने तक होता है। तो ट्रेडिंग इज सेपरेट थिंग, अभी हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है एक इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी चीजें जो कि हम लोगों ने अभी जानी। अब इसमें एक चीज और है जानने के लिए, कि अगर हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि व्हाट इज पीवी पी, हम लोगों के पास समय नहीं है कि पी पीवी डिविडेंड ये फेस वैल्यू ये सब क्या है, तो जो कंपनी 1 से लेके 200 तक है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी डील करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है, बस इनसे आगे नहीं जाना। यहाँ पर स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए बहुत सारे इंडाइसेस चलते हैं। इंडाइसेस मतलब सूचकांक, जिनमें हम सब ने नाम सुना है सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक है, जिनमें की भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनी है, और निफ्टी एनएससी का मुख्य सूचकांक है, जिसमें भी भारत में की 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अब ये जो निफ्टी है इसमें 50 कंपनी है, निफ्टी एनएसई 50 बराबर निफ्टी। इंडिया में जो भी ट्रेड होते हैं आजकल वो 90% एनएससी पर वॉल्यूम आता है। तो ये एनएससी की जो 50 कंपनी है, इनका क्राइटेरिया क्या है निफ्टी में आने का, इनकी मुख्यतः 3 शर्तें हैं। एक तो डेली ट्रेडिंग हो, हर कंपनी की। दूसरा है
कंपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करती हो, करती हो। फ्यूचर ऑप्शन क्या है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तीसरा है मार्केट कैप, कैप 50,000 से ज्यादा हो। जो शेयर्स हैं, जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, जो कि कंपनी का प्रमोटर या मालिक से जो हैं, वो पब्लिक में सबसे ज्यादा हो, वो 50 में आएगी। भले ही किसी कंपनी का मार्केट कैप अगर 1,00,000 है, लेकिन अगर उसके फ्री फ्लोट शेयर जो पब्लिक में हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं, वो बहुत कम है, मान लीजिए 20,000 करोड़ के ही है, और किसी कंपनी का मार्केट कैप 80,000 या 60,000 करोड़ है, और पब्लिक में उसके शेयर हैं वो 50,000 करोड़ के हैं, तो वो छोटी कंपनी आ जाएगी। ये तीन मुख्य शर्तें हैं निफ्टी 50 में आने की। तो जिन लोगों के पास समय नहीं है, वो निफ्टी 50 इंडाइसेस को ट्रैक करके, इसकी जो 50 कंपनी है उनमें आंख बंद के इन्वेस्ट करके सो सकते हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। शेयर बाजार में चूक कहाँ हो जाती है लोगों से? शेयर बाजार में चूक ये हो जाती है कि जब हम बैंक में एफडी कराने जाते हैं तो हमें 5-6% मिलता है। हमने फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए की एफडी कराई, तो हमें 1 साल तक हम इंतजार करते हैं 5,000 रुपए का। लेकिन शेयर में क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि आज मैंने 1,00,000 रुपए शेयर बाजार में लगाए तो मुझे कल ही डबल चाहिए, इसलिए ये ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर वो ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और ज्यादातर लोग यही गलती कर लेते हैं। शेयर बाजार मुख्यतः धैर्य का खेल है, पेशेंस का खेल है। तो ये कुछ बेसिक चीज थी जो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रही थी कि हमें जब भी कोई शेयर खरीदना है तो बेसिकली हमें कौन कौन सी चीजें देखना चाहिए। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ट्रेडिंग क्या है। ये तो इन्वेस्टमेंट था, सिट टाइट होल्ड टाइट। ट्रेडिंग टेक्निकल पर डिपेंड रहता है, इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स पर डिपेंड रहता है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास था इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार के बारे में समझने का। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, YouTube पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद नहीं आ रहे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं।